लोकसभा चुनाव से जुड़ी बहुत बड़ी खबर, यूपी बिहार झारखंड के गृह सचिव हटाए गए हैं। लोकसभा चुनाव की ड्यूटी से हटाने का आदेश, 6 राज्यों के गृह सचिव को हटाने का आदेश। इलेक्शन कमीशन के कई ऑफिसर्स को चुनावी ड्यूटी से हटाया गया है। चुनाव आयोग ने बंगाल के डीजीपी तक को हटा दिया है। इन सभी में सबसे बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल के डीजीपी को हटा दिया गया है। बंगाल वो प्रदेश है जहां पे बहुत ही संवेदनशील इलाके हैं और वहां चुनाव कराना खतरे से खाली नहीं होता। नीरज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बंगाल के डीजीपी सहित कई राज्यों के गृह सचिव हटा दिए गए हैं। नीरज, ये बहुत बड़ा एक्शन है। देखिए, न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को बता दें कि डीजीपी के खिलाफ चुनाव आयोग को रिपोर्ट आई थी, जो मौजूदा में डीजीपी हैं, इन्हें 2016 विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी हटाया था और अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हटा दिया था। आमतौर पर राजनीतिक दलों की शिकायत पर चुनाव आयोग इस तरह की कार्रवाई करता है या उन्हें इनपुट्स मिलते हैं, तो मौजूदा डीजीपी को चुनाव आयोग ने वेस्ट बंगाल में हटा दिया। आप बात करते हैं 6 अलग अलग राज्यों की, यूपी, गुजरात, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल के गृह सचिव को हटा दिया गया, क्योंकि ये लोग ड्यूअल चार्जेज में थे, यानी इनके पास चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस में 2 चार्जेज थे, इसलिए इनके खिलाफ चुनाव आयोग की तरफ से कार्रवाई की गई है। झारखंड के भी गृह सचिव को हटाया गया है और इन पे कार्रवाई का असर वजह यह है कि इनके पास 2 चार्जेज थे चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस में, तो चुनाव आयोग चाहता था कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो। बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर हैं इकबाल सिंह, उनके अलावा जो अडिशनल कमिश्नर्स होते हैं, डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं, उनके खिलाफ भी चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है और उन्हें भी पदों से हटा दिया गया है। इन सबों के खिलाफ कुछ न कुछ जो नियम थे या किसी के खिलाफ शिकायत थी, इसलिए इन सबों को हटाया गया। जी, तो शिकायत की बात हो गई, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ने संकेत उसी दिन दे दिया था जिस दिन चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। कोई भी ऑफिसर 3 साल से ज्यादा अगर तबादला नहीं हुआ है तो बदल दीजिए उसे।